और इस खबर के अनुसार कहा गया कि कांग्रेस अध्यक्षा ने ईडी से मांग की थी कि आज के लिए पूछताछ खत्म हो और ईडी ने ये मांग स्वीकारी। ये खबर बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है, इसमें कोई तथ्य नहीं है और ये बिल्कुल झूठ है। 12:20 को पूछताछ की शुरुआत हुई और शुरू में ही पहले में ही कहा गया, ईडी अफसरों ने कहा कि करीब 2 घंटे तक ये पूछताछ चलेगा, उसके बाद लंच ब्रेक होगा और लंच ब्रेक के बाद श्रीमती सोनिया गांधी को वापस ईडी में आना होगा। ये 12:20 को हुआ, क्वेश्चनिंग शुरू हुई, सवाल पूछे गए, जवाब दिया गया और करीब 2:20 को जब कांग्रेस अध्यक्षा तैयार हुई घर लौटने के लिए लंच के लिए, तब उनको कहा गया, ईडी के अफसरों ने कहा उनको कि उनको वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। 12:20 को कहा गया लंच ब्रेक के बाद आप वापस आइए, 2:20 को कहा गया आपको कोई वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कांग्रेस अध्यक्षा ने पूछा ईडी अफसरों से कि मैं तो तैयार हूँ वापस आने के लिए, जो कुछ सवाल करेंगे मैं उनका उसका जवाब दूंगी, 7 बजेगा, 8 बजेगा, 9 बजेगा मैं यहाँ बैठने के लिए तैयार हूँ। पर ईडी की ओर से कहा गया कि दोपहर को, आज दोपहर को ईडी के जो डॉक्टर हैं वो अवेलेबल नहीं हैं और कल ईडी कोई न्यायालय के मामले में व्यस्त है। तो ईडी की ओर से कहा गया अगले हफ्ते आप ईमेल भेजिए और अगले हफ्ते एक हम नया डेट तय करेंगे। तो मैं साफ इस खबर का खंडन करना चाहता हूं कि कांग्रेस अध्यक्षा ने ईडी से ये मांग की कि आज के लिए 2 या 2:15 तक वो वहाँ रहेंगे क्योंकि वो कोविड मरीज हैं, उसी की वजह से आज वो और समय नहीं बिता पाएंगी ईडी के साथ। ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस अध्यक्षा ने ईडी अफसरों को कहा कि आप सवाल कीजिए, शाम को मैं वापस आने के लिए तैयार हूँ, 1/2 घंटे के बाद, 1/4 घंटे के बाद मैं वापस आ सकती हूँ। पर ईडी नहीं चाहती थी कि वो आज वापस आए और जब उन्होंने कहा मैं कल भी आ सकती हूँ क्योंकि मैं इसको जल्दी ख़त्म करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा नहीं कल हम न्यायालय के मामले में व्यस्त हैं, अभी हम अगले हफ्ते के लिए एक नया डेट ढूंढ निकालेंगे, तो हो सकता है सोमवार या मंगलवार को अगला चरण होगा क्वेश्चनिंग का। तो मेरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद एक ही है, इस खबर का खंडन करना कि कांग्रेस अध्यक्ष के ओर से मांग आई थी कि आज का क्वेश्चनिंग खत्म हो क्योंकि वो कोविड मरीज है। बिल्कुल बेबुनियाद, बिल्कुल गलत, और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये खबर चलाई गई, ये झूठी खबर है। मैंने तुरंत इसका खंडन किया, मुझे किंग्सवे कैंप और हमारे जो सारे सांसद थे आज किंग्सवे कैंप के पुलिस स्टेशन में हमें करीब 4-4.5 घंटा हम वहाँ बिताए और मैं वहीं से मैंने इस खबर का खंडन किया है। तो मैं फिर से जो लोग वहाँ नहीं थे उनके लिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाई है और कांग्रेस अध्यक्षा कभी भी
किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। अभी तो आज वापस नहीं लौटी, कल भी नहीं जाएगी क्योंकि ईडी की ओर से कोई समन्स नहीं आया कल के लिए। अब कुछ बातचीत चल रही है तो हो सकता है सोमवार या मंगलवार को ये हो। क्योंकि मैं यहाँ हूँ, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ पार्लियामेंट सेशन के बारे में। 18 तारीख से राज्यसभा और राज्यसभा नहीं चल पाया है और एक ही कारण है, मैंने पहले भी कहा है, मैं दोहराना चाहता हूँ कि विपक्ष की पार्टियों की ओर से एक ही मांग है कि तुरंत महंगाई और खाद्य पदार्थों पर जो जीएसटी रेट बढ़ाए गए हैं उस पर बहस हो। राज्यसभा में रूल 267 के तहत ये बहस हो, ये प्रावधान है नियमावली में कि अगर ऐसे कोई मुद्दे हैं जो अर्जेंट माने जाते हैं पार्टियों से तो वो मांग कर सकते हैं कि सभी बिजनेस को रोका जाए और उस विषय पर बहस हो। हम पार्लियामेंट चलाना चाहते हैं पर हमारी एक ही मांग है, पहला बहस पार्लियामेंट में महंगाई और खाद्य पदार्थों पर जो बढ़ाए जीएसटी रेट बढ़ाए गए हैं उस पर चर्चा हो। सरकार की ओर से ये कहा जाता है हम तो चर्चा के लिए हमेशा तैयार हैं, वो तो सभी विषयों पर कहा जाता है और सभी सरकारें ये कहती हैं। अगर कल 11 या 11:15 को सरकार लोकसभा में और राज्यसभा में महंगाई और जीएसटी पर बहस के लिए तैयार है तो विपक्ष तैयार है, इस पर कोई शक नहीं होनी चाहिए। हम पार्लियामेंट चलाना चाहते हैं, हम बहस चाहते हैं पहला विषय, बाद में और विषय भी उठाए जाएंगे, सरकार की ओर से भी आएगा विपक्ष की ओर से भी आएगा, पर महंगाई हमारे देश के सामने सबसे बड़ी समस्या, करोड़ों परिवारों के लिए महंगाई और खाद्य पदार्थों पर जो जीएसटी के रेट बढ़ाए गए हैं उस पर हम बहस चाहते हैं। सुबह डॉक्टर मौजूद थे, दोपहर को ईडी ने कहा डॉक्टर मौजूद नहीं होंगे, सोनिया जी दवाई ले रही हैं और कोविड रिकवरिंग मरीज हैं तो हाँ, पर उन्होंने कहा कि मैं आज वापस लौटने के लिए तैयार हूँ, मैं 7 बजे 8 बजे तक बैठने के लिए तैयार हूँ, मैं कल आने के लिए तैयार हूँ, पर कल ईडी और कहीं व्यस्त, ईडी के अफसर और कहीं व्यस्त थे तो इसीलिए अभी बात चल रही है सोमवार या मंगलवार, अभी तक कोई उसमें अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। पर जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि हम कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से कोई ऐसी गुजारिश नहीं की गई आज दोपहर को कि आज का क्वेश्चनिंग 2 या 2:30 बजे समाप्त हो, बिल्कुल नहीं। और अगर मेरी याददाश्त सही है तो ये जो खबर चली थी कि ईडी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मैं कोविड मरीज हूँ इसी के लिए आज के लिए क्वेश्चनिंग समाप्त कीजिए, बेबुनियाद, बिल्कुल गलत और झूठ।